नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, यानी कि भिंडी मसाला। तो आइए देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, जिसको अच्छे से धो के पोंछ के और कट करके रख लिया है। और ये लिया है मैंने नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। और ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। और ये मैंने लिया है फ्रेश धनिया। और ये टमाटर प्यूरी है, जो दो टमाटर को मैंने मिक्सर में पीस के उसकी प्यूरी बना ली है। और ये लिया है दो बड़े आकार के प्याज, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये लिया है मैंने सरसों का तेल। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, उसको भी देख लीजिए। ये मैंने लिया है तेज पत्ता और ये दालचीनी स्टिक। और ये लिया है जीरा, ये सब तड़के के लिए लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है ये जीरे का पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है, भून के जीरे को पीस लिया था। ये हल्दी और ये लाल मिर्च और ये गरम मसाला। धनिया थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं इसे। अब मैंने फ्राइंग पैन रख लिया है गैस पे, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं अब भिंडी को डाल दूंगी। भिंडी को मैं इसमें 80% के करीब फ्राई कर दूंगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें भिंडी को फ्राई करने के लिए। इससे भिंडी में जो लेस निकलता है वो नहीं निकलेगा और फ्राई की हुई भिंडी बहुत अच्छी लगती है। और मैं गैस को थोड़ा सा कम कर लूँगी और ढक के इसको पकने दूँगी। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे कि कहीं भिंडी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और नहीं जल ना जाए। एक बार फिर से मैं ढक लूंगी और लगभग अब हमारी भिंडी बिल्कुल हो चुकी है, तो मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। और देखिए मैंने भिंडी निकाल ली है और वही फ्राइंग पैन मैंने फिर से रखा हुआ है, गैस को मैंने तेज कर दिया है और मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल लिया है तड़के के लिए। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। और यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है, तो मैंने डाल दिया इसमें जीरा और ये तेज पत्ता और ये दालचीनी स्टिक। मसालों को मैं अच्छे से इसमें मिला लूंगी। मसाले का स्वाद तभी आता है जब मसाले अच्छे से हो जाएं और ये तड़का अच्छे से हो जाए। और जीरा अगर कच्चा रह गया तो सब्जी का टेस्ट ख़राब कर देगा, तो जीरे को हमें जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जीरा भी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और प्याज को हम कर लेंगे फ्राई। प्याज में जब तक ब्राउन कलर नहीं आ जाता है, मैं चलाते हुए प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, बीच बीच में आप प्याज को चलाते रहें, नहीं तो प्याज जल जाएगी। अब देखिए हमारी प्याज लगभग हो चुकी है, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए, जो कच्ची स्मेल आती है इसमें वो चली जाए लहसुन की। यहाँ पे अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन ना डालें, लहसुन पूरी तरह ऑप्शनल है। अब मैं मसालों को डाल लूंगी। तो ये हल्दी डाल दिया मैंने और ये लाल मिर्च
और ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर और ये रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। मैंने गरम मसाला अभी नहीं डाला है, वो सब्जी बनने के बाद लास्ट में डालूंगी। और मसालों को मैं अच्छे से चला लूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब मसाले हो चुके हैं तो मैं टोमेटो प्यूरी डाल दे रही हूँ और इसी के साथ मैं डाल दे रही हूँ नमक। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को कम कर लूँगी ताकि मसाले जल ना जाएं। और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, एक चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है। और मैं ढक के मसालों को थोड़ी देर भून लेती हूँ। और ये देखिए मसाले हो चुके हैं, साइड से तेल अलग होने लगा है। किसी भी सब्जी में मसाले जितने ही फ्राई होते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं अब इसमें भिंडी डाल लूँगी, भिंडी डाल के एक बार मैं मिक्स कर लूँगी क्योंकि भिंडी पहले से ही फ्राई हुई तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर तक भिंडी को मैं पका लूँगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भिंडी भी हमारी पक चुकी है, एक बार इसे चला के देख लेते हैं। और मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला और एक बार मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ता और गैस की फ्लेम को मैं बंद। देखिए यहाँ पे मैंने भिंडी मसाला को सर्व कर लिया है। ये बहुत ही देखने में भी डिलीशियस लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों।